हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संगीत योग में। आज मैं एक नया पैच, डांडिया शायद इसको बोलते हैं इस ताल को, तो ये पैच हम सभी के लिए आज लेकर के आए हैं। तो आज हम सभी इसकी एडिटिंग और इसकी प्लेइंग देखेंगे। अगर आपको भी ये पैच चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को देखें और अपने पैड में भी इस पैच को बनाएं, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था एक दोस्त का कि भैया जी कोई डांडिया का पैच बताइए, तो मैं आज डांडिया का पैच यही लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी प्लेइंग है और कैसे क्या इसकी एडिटिंग है। अगर आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन एक बात दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाइक तो आप कर ही देते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को 1.5-2 मिनट तक ज़रूर चलाएं, क्योंकि ऐसे जो है उस वीडियो पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आप और हमने वीडियो को क्लिक किया, बस छोड़ दिया, ऐसे ही कट कट कर दिया उस वीडियो को, तो ऐसे में वीडियो पर बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया, जानकार यूट्यूब के जो भी हैं दोस्त मित्र हमारे, तो मैंने उन्होंने कहा मुझसे कि ये बात जो है आप शेयर कर दीजिए अपने मित्र दोस्तों से। तो मैंने सोचा कि आपको कह दूँ, हो सकता है आप बात मेरी स्वीकार करें। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को 1.5-2 मिनट ज़रूर चलाएं, उसके बाद में ही उस वीडियो को कट करें। अगर उसको आपने क्लिक किया है तो प्लीज़ 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 1-1.5-2 मिनट तक ज़रूर उसको चलाएं, उसके बाद में ही उस वीडियो को कट करें या बंद करें या वहाँ से निकलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अब हम इस पैच की प्लेइंग स्टाइल देख लें, इस पैच को कैसे प्ले करना है, उसके बाद में इसकी एडिटिंग। और इसका दूसरा प्रकार कैसे बजता है, मोड़ दे करके देखते हैं।
उसके बाद तो चलिए हम एडिटिंग की तरफ चलते हैं। अब इस पैच की हम एडिटिंग देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, एडिट बटन प्रेस किया, फिर लेयर बटन प्रेस किया, बैंक ए में आ गए। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, पहले में J48, पहले में J48, दूसरे में L31, तीसरे में T35, चौथे में L30, पांचवे में L29, छठे में L27 और सातवें में T35, आठवें में T35। अब हम इनका लेवल देखते हैं। पहले का लेवल 13, दूसरे का 13 और तीसरे का 9, चौथे का 15 और पांचवें का 0 और छठे का 12, सातवें का 11, आठवें का 13। अब हम सभी की पिच देखते हैं। पहले की पिच है 5, दूसरे की -1, तीसरे की 22, चौथे की -1, पांचवें की -3 और छठे की 0। सातवें की पिच है 19 और आठवें की पिच है 2। अब हम इनका डिके देखते हैं। पहले का डिके 13, दूसरे का -20, तीसरे का -1, चौथे का 25 और पांचवें का 31, छठे का 10, सातवें का -12 और आठवें का -10। अब हम सभी का पैन बैलेंस देखते हैं। पैन सभी का सेंटर है। अब हम सभी का कर्व देखते हैं। कर्व सभी का AP4 है। अब हम FX सेंड देखते हैं। FX सेंड सभी का 0 है, केवल पांचवे का 15 है। FX सेंड पांचवे में 15 लगा हुआ है और बाकी का 0, इसमें पांचवे में 15 है और इन 7 पैड का 0 है। अब हम बी बैंक की एडिटिंग देखते हैं। बैंक बटन प्रेस किया, बैंक बी में आ गए। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट पहले में है C09 और दूसरे में J41, J47 है 47, दूसरे में J47, तीसरे में T19 और चौथे में L53 और पांचवें में O08, पांचवें में O08 और छठे में F03, सातवें में T19 और आठवें में T19। अब हम इनका लेवल देखते हैं। पहले का लेवल है 13 और दूसरे का लेवल है 12 और तीसरे का लेवल है 12 और चौथे का है 15 और छठे का है 15
सॉरी, पांचवे का 15 है, पांचवे का 15, और छठे का 10, और सातवें का 14, और आठवें का 15। अब हम इनकी पिच देखते हैं। पहले की पिच -1, दूसरे की 5, तीसरे की 0, चौथे की 1, पांचवें की पिच है 8, और छठे की पिच है -7, और आठवें की पिच है -5, और आठवें की पिच है -8, सातवें की पिच है -5, और आठवें की -8। अब हम इनका डिके देखते हैं। पहले का डिके है -3, दूसरे का डिके 0, तीसरे का -5, चौथे का 10, तीसरे का -5, चौथे का 10, पांचवें का 31, छठे का 1, सातवें का -5, आठवें का -7। अब हम इनका पैन बैलेंस देखते हैं। पैन सभी का सेंटर है। कर्व देखते हैं। कर्व सभी का EP4, और अब हम FX सेंड देखते हैं। FX सेंड पांचवे में 15 लगा हुआ है और बाकी का 0 है। पांचवे में 15, बाकी का 0। अब लेयर बटन प्रेस किया, दोनों बैंक एक साथ हो गए। अब फिर सेलेक्ट बटन दोबारा प्रेस किया, FX सेटिंग में आ गए। FX देखने क्या लगा हुआ है। FX टाइप 20, FX टाइम 19, और FX लेवल 13। एक बार हम फिर FX सेटिंग देख लें। FX टाइप 20, FX टाइम 19, और FX लेवल 13। अगर हमको ज़्यादा स्पीड में बजाना है इस पैच को, तो यहाँ से FX टाइम कम कर लेंगे। स्पीड आपको ज़्यादा जब चलाएंगे आप स्पीड, तो उसी हिसाब से डिले काम करेगा। और बहुत ही स्लो स्पीड में चलाना है तो लेवल जो है FX टाइम जो है हम बढ़ाते रहेंगे, तो स्पीड इसकी बजाने की स्लो होती चली जाएगी, डिले उसका स्लो होता चला जाएगा। तो ये रही आपकी इस पैच की सेटिंग। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये पैच SPD20 में तो है ही, लेकिन ये SPD20X में भी बहुत अच्छा ही बनेगा, क्योंकि SPD20 और SPD20X की सेटिंग एक ही है। केवल उसमें कुछ अलग से फीचर हैं, इक्वलाइजर वगैरह, और बाकी सेटिंग एक ही है पैच की। और मैं जितने भी पैच अपलोड किया हूँ, उनकी एडिटिंग बताया हूँ, सभी की एडिटिंग जो है आप SPD20 में तो बनाएंगे ही, लेकिन SPD20X में भी वही सेटिंग, वही सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते।